दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। आप देख रहे हैं न्यूज दूत। आज मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके में, वो भी विशेषकर गोंडवाना राजवंश की राजधानी यानी रामनगर में, राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं। इसके सियासी मायने भी अलग अलग हैं। क्यों वास्तव में इस गोंड राजा की राजधानी रामनगर को ही कांग्रेस ने चयन किया? यह वह इलाका है जो वास्तव में 5 आदिवासी सीटों को सीधे असर डालता है। नेशनल कांग्रेस ने पिछले कई समय से आदिवासी और पिछड़ा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के पूरे राजनीतिक प्रयास किए हैं। कांग्रेस पार्टी का यह उसी प्रयास का एक नतीजा है। आज कुछ देर बाद प्रियंका गांधी इसी सभा स्थल पर पहुंचेंगी, जहां हजारों लोग उनकी प्रतीक्षा में इस सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके भाषण में आदिवासी और पिछड़ा तो रहेगा ही, साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार, जो जनादेश से चुनी गई कांग्रेस की सरकार थी, उसे किस तरह चुराकर भाजपा ने अपने हाथ कर लिया था, इस बात का भी अपने भाषण में उल्लेख करने से संभवतः वह नहीं चूकेंगी। क्योंकि यह जन आक्रोश रैली है कांग्रेस की, तो कांग्रेस मतदाताओं के अंदर जो आक्रोश है, उसी आक्रोश को वोट में तब्दील करने का पूरा प्रयास करेगी, वह भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता के माध्यम से। यह आदिवासी इलाका है मध्य प्रदेश में। तकरीबन 50 के इर्द गिर्द सीटें आदिवासी विधायक चुनती हैं और भेजती हैं, और यही 50 सीटें मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुत कारगर भूमिका